हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड्स पढ़ेंगे। अभी हमारी चल रही है ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स हम पढ़ रहे हैं, उसमें हमने मैग्नीशियम पढ़ा, जिंक पढ़ा। अब हम कुछ लिथियम के यौगिकों की चर्चा करेंगे। ऑर्गेनो लिथियम यौगिक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के समान होते हैं तथा उससे अधिक क्रियाशील होने के कारण ये केमिकल सिंथेसिस में या रासायनिक संश्लेषण में बहुत अधिक उपयोगी है। अब इसको हम एल्किल हैलाइड के द्वारा बनाया जा सकता है। प्रिपरेशन विद एल्किल हैलाइड्स गिव्स व्हेन रिएक्ट्स विद लिथियम डायरेक्टली गिव्स एल्किल लिथियम। अब हमने आपने देखो, अब रिएक्शन देखो। फर्स्ट रिएक्शन हमने जब एल्किल हैलाइड RCl की लिथियम से सीधी क्रिया कराई तो हमें एल्किल लिथियम RLi+LiCl प्राप्त होता है बाय हेलोजन मेटल एक्सचेंज। दूसरी विधि जिसके द्वारा कि हम ऑर्गेनोलिथियम यौगिक बना सकते हैं वो है हेलोजन धातु विनिमय क्रिया। हेलोजन धातु विनिमय क्रिया में जब हम फेनिल आयोडाइड की एन ब्यूटिल लिथियम से क्रिया कराते हैं तो हमें फेनिल लिथियम प्राप्त होता है। तीसरी रिएक्शन या तीसरी विधि जिसके द्वारा हम ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स बना सकते हैं वो है बाय मेटल मेटल एक्सचेंज, अर्थात धातु धातु विनिमय। जब एरिल लिथियम की हम टेट्रा वाइनल स्टेनेस से क्रिया कराते हैं तो वाइनल लिथियम बनता है, साथ में टेट्रा एरिल स्टेने बनता है। तो ये तीन अभिक्रियाएं हैं। इसी प्रकार हम इसका सीधा धातुघनीकरण भी कर सकते हैं, हम डायरेक्ट मेटलाइजेशन कर सकते हैं। यदि हम साइक्लोपेंटाडाइन की फेनिल लिथियम के साथ क्रिया कराएंगे तो हमें साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिथियम प्राप्त होता है। ये डायरेक्ट मेटलाइजेशन है या सीधा धातुकरण है। इन चार विधियों के द्वारा हम कार्ब लिथियम यौगिकों को बना सकते हैं। स्ट्रक्चर, अब कार्ब लिथियम यौगिकों की संरचना किस प्रकार की होती है। एल्किल लिथियम के अणु सगुणित या एसोसिएटेड रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैथिल लिथियम चतुष्फलक टेट्रा मैथिल लिथियम के रूप में रहता है, जिसमें चारों लिथियम परमाणु परस्पर चतुष्फलकीय अवस्था में जुड़े रहते हैं। तो इस प्रकार इसकी टेट्राहेड्रल संरचनाएं होती है। अब कार्बन आपके ऑर्गेनोलिथियम यौगिकों की मुख्य रासायनिक अभिक्रियाएं हम देखेंगे। कार्ब लिथियम साधारण द्रव अथवा कम गलनांक मेल्टिंग पॉइंट वाले ठोस होते हैं। इनकी ध्रुवता कम होने के कारण ये विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, ये ज्वलनशील होते हैं। अब हम विभिन्न यौगिकों के साथ इनकी अभिक्रियाएं देखेंगे। जब हम कार्ब लिथियम यौगिक की जल से क्रिया कराते हैं तो हमें हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं। जैसे हम ब्यूटाइल लिथियम लेते हैं, ब्यूटाइल लिथियम की रिएक्शन देखिए, रिएक्शन नंबर वन, ब्यूटाइल लिथियम की जल से क्रिया कराने पर हमें एल्केन ब्यूटेन प्राप्त होते हैं। कार्बन लिथियम पोलर बंध यानी ध्रुवीय बंध होने के कारण कार्बन परमाणु कार्ब एनायन के रूप में रहता है। रिएक्शन विद हेलोजन्स, दूसरी अभिक्रिया हम हेलोजन से कराएंगे। जब हम कार्ब लिथियम यौगिकों की हेलोजन से क्रिया कराते हैं तो हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिया है एथिल लिथियम की ब्रोमीन से अभिक्रिया कराने पर हमें एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है, साथ में LiBr निकलता है। तीसरी रिएक्शन हम जब अम्लों से कराते हैं, यानी कि ब्यूटिल लिथियम की हमने HCl से अभिक्रिया कराई तो हमें एल्केन या हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं। फोर्थ रिएक्शन आप देखिए, रिएक्शन विद अमोनिया, अमोनिया के साथ भी कार्ब लिथियम यौगिकों को अभिक्रिया करवाने पर हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं। जैसे हमने एथिल लिथियम की अमोनिया से अभिक्रिया कराई तो हमें इथेन एल्केन के रूप में प्राप्त होता है। रिएक्शन विद CO2 टू गिव कार्बोक्सिलिक अम्ल, जब हम कार्ब लिथियम यौगिकों की कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। RLi+CO2 गिव्स RCOOH कार्बोक्सिलिक अम्ल। सिक्स रिएक्शन देखिए बेटा, हम कराएंगे विद एल्कोहल्स।
हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तीनों प्रकार के अल्कोहल से अभिक्रिया कराएंगे, तो कार्बन लिथियम यौगिक जो हैं हमें हाइड्रोकार्बन देते हैं। अब सिक्स रिएक्शन में ए रिएक्शन देखिए, हमने प्राइमरी अल्कोहल से रिएक्शन कराई है, Ri+RCH2O OH गिव्स RCH2R+LiOH। जब हम Ri की यानी कि एल्किल लिथियम की सेकेंडरी अल्कोहल RRCHOH से अभिक्रिया कराते हैं तो हमें सेकेंडरी हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। इसी प्रकार एल्किल लिथियम की टर्शरी अल्कोहल से क्रिया जब हम कराते हैं तो हमें उच्चतर तृतीयक हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं। अगली क्रिया है एल्किल लिथियम रिएक्ट्स विद एल्किल हैलाइड टू गिव हाइड्रोकार्बन। एल्किल लिथियम की जब हम एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया कराते हैं तो हमें हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। रिएक्शन विद कार्बोनिल ग्रुप्स, कार्बोनिल ग्रुप टू गिव एल्कोहल्स। कार्ब लिथियम यौगिकों की जब हम कार्बोनिल समूह से अभिक्रिया कराते हैं तो हमें एल्कोहल प्राप्त होना चाहिए। इस अभिक्रिया में हमको एल्किल लिथियम जो है वो कम मात्रा में लेना चाहिए, वरना वह पुनः क्रिया करके हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित हो जाता है। अब जैसे हम एल्किल लिथियम की एल्डिहाइड से क्रिया कराते हैं तो हमें एल्कोहल प्राप्त होते हैं। आप एट्थ रिएक्शन में ए रिएक्शन देखिए, इसी प्रकार बी रिएक्शन देखिए। एल्किल लिथियम की जब हम कीटोन से अभिक्रिया कराते हैं तो हमें सेकेंडरी एल्कोहल प्राप्त होता है, यानी एल्डिहाइड से जब हमने कार्बो लिथियम यौगिक की क्रिया कराई थी तो हमें प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त हुआ था। इसी प्रकार कीटोन से जब हमने कार्बो लिथियम यौगिक की कराई तो हमें सेकेंडरी एल्कोहल या द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होता है। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए आप, फॉर्मेशन ऑफ ईथर। ईथर का कैसे निर्माण होता है? बाय एक्शन विद मोनोक्लोरो ईथर। कार्ब लिथियम या हम एग्जांपल लेते हैं मेथिल लिथियम की मोनोक्लोरो ईथर के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमें एथिल मेथिल ईथर प्राप्त होता है। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए आप, बाय द एक्शन विद साइनोक्लोराइड। यदि हम एल्किल लिथियम की क्लोरो विद साइनोजन क्लोराइड से क्रिया कराते हैं, साइनोजन क्लोराइड से क्रिया कराते हैं तो हमें नाइट्राइल प्राप्त होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, हम मेथिल लिथियम की साइनोक्लोराइड से क्रिया कराने पर हमको CH3CN एसीटोनाइट्राइल प्राप्त होता है। रिएक्शन विद एल्किल हैलाइड्स, यदि हम एथिल लिथियम की एल्किल हैलाइड मेथिल ब्रोमाइड से अभिक्रिया कराएंगे तो हमें प्रोपेन एल्केन के रूप में प्राप्त होता है। अब ये जो हमने अभिक्रियाएं अभी तक डिस्कस करी हैं ये कहीं ना कहीं ग्रिगनार्ड अभिक्रिया के लगभग समान थी। अब कुछ अभिक्रियाएं ऐसी हैं जो कि ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से भिन्न उत्पाद देती हैं, जैसे एक्शन विद CO2। अब हम यदि आप हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, आपको ध्यान होगा कि ग्रिगनार्ड अभिकर्मक जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं, लेकिन कार्ब लिथियम यौगिक जो हैं वो कीटोन देते हैं। एग्जाम्पल आप देखिए, यदि हम मेथिल लिथियम की कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करेंगे तो हमें एसीटोन प्राप्त होता है जो कि एक कीटोनिक समूह को दर्शाता है। इसका कारण है कि कार्ब लिथियम यौगिक जो हैं वो ग्रिगनार्ड अभिकर्मक की तुलना में अधिक प्रबल नाभिक स्नेही होते हैं। एक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड, अब कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ क्रिया, यदि हम बेंजोइक अम्ल की क्रिया कराएंगे, बेंजोइक अम्ल क्या हो गया आपका C6H5COOH। बेंजोइक अम्ल की अगर हम एल्किल लिथियम से क्रिया कराते हैं तो ये हमें एसिटोक्विनोन देते हैं, यानी कि आपका कार्बनिक एरोमेटिक कीटोन है। एडिशन टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स, यदि हम
एल्किन लिथियम की द्विबंध वाले किसी यौगिक CH2 डबल बॉन्ड CH2 से क्रिया कराते हैं, तो आप रिएक्शन में देखिए हमें कई यौगिकों का मिश्रण प्राप्त होता है। तो ये जो अभी अभी हमने अभिक्रियाएं की हैं, ये सभी कार्ब लिथियम यौगिक की अभिक्रियाएं थी। आप इन्हें अच्छे से पढ़िए और इसे तैयार कीजिए। धन्यवाद।